बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दें। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। दरअसल नई बस्ती चंदर रोड का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का विरोध हुआ है। कांग्रेस के पार्षद ने सड़क का नाम बदलने का विरोध भी जाहिर किया। कांग्रेस पार्षद का आरोप है कि पत्थरबाज से शहीद नहीं, और भाजपा पार्षद ने आंदोलनकारी को पत्थरबाज कहने पर बवाल कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद मीना बिस्ट से माफी मांगने की मांग भी कर दी गई। बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षद मुर्दाबाद के लगे नारे आप देखिए सुन सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बैठक के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस पार्षद मीना बिस्ट बोर्ड बैठक छोड़कर बाहर से चले गए। आप देख पा रहे हैं भाजपा पार्षदों ने बैठक में हंगामा कर दिया। कांग्रेस पार्षद से माफी मांगने की मांग की गई और इसी बात को लेकर ये बवाल बढ़ा। देहरादून नगर निगम की यह बैठक हो रही थी और जिसमें इस प्रस्ताव को लेकर बवाल हो गया, सड़क का नाम बदलने का विरोध किया गया। दरअसल कांग्रेस पार्षद ने शहीद के नाम पर सड़क का नाम रखने का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पर सड़क का नाम रखा जा रहा है वो व्यक्ति शहीद नहीं बल्कि पत्थरबाज है, इसी वजह से ये बवाल हुआ। भाजपा ने इसका विरोध किया और इसके बाद कांग्रेस पार्षद मीना बिस्ट बोर्ड बैठक छोड़कर वहां से चली गई। एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर भाजपा ने रणनीति बना ली है। उपचुनाव को लेकर एक टीम तैयार की गई है जिसमें सह प्रभारी रेखा वर्मा को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और मंत्री चंदन राम के साथ साथ तीन और सदस्यों को टीम में शामिल किया गया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे और वहां पे समीक्षा बैठक की। साथ में मौजूद रहे प्रभारी दुष्यंत गौतम, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर कल आप लोग देहरादून में थे, वहां पे संगठनात्मक बैठक की है, क्या कुछ रणनीति अब तैयार की गई है? रणनीति तो हमारे यहाँ कोई ऐसी नई नहीं होती है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही सेंटर बिंदु है सोच का, राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के आसपास ही हम सब घूमते रहते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड के विषय में बात करते हैं तो चंपावत का चुनाव आ रहा है और चुनाव के ऊपर ही सारा लक्ष्य रखा गया। साथ साथ जो चुनाव समिति बनी थी उसको भी स्वागत किया गया, उनका धन्यवाद किया गया, क्योंकि चुनाव समिति का अब लॉजिक कोई नहीं रहता नहीं है। उसमें अनेकों अनेक लोगों ने अपने प्रभावी तरीके से क्या क्या किया वो सब बताए गए। जो संकल्प पत्र हमने दिया था और वो सब मंत्रियों ने प्राथमिकता पर आगे बढ़ाने का काम किया, और यही नहीं किया, अधिकारियों को भी ये बता दिया गया है कि हमारा यही गीता है, इसके अनुरूप ही आपको सबको चलना होगा। चूंकि चंपावत में उपचुनाव होने हैं तो उसको लेकर क्या खास रणनीति बनाई गई है? हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक तो चंपावत के विधायक जी का, जिन्होंने निस्वार्थ, मैं दो दिन से लगातार मालूम कर रहा था क्या कारण है, क्यों दिया, क्या लाभ है, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित में, देश हित में, कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए, और वहाँ की जनता का भी बहुत उत्साह है वहाँ पर कि एक मुख्यमंत्री उनको के रूम में एक व्यक्ति मिल रहा है जो मुख्यमंत्री 5 साल में विकास करेगा और जो विकास की धारा वहाँ पे बहेगी उसकी वहाँ की जनता आश्वस्त है। और वहाँ के लिए हमने चुनाव अधिकारी, चुनाव का प्रमुख हमारे मेरी सह प्रभारी जो है हमारी रेखा वर्मा जी सांसद हैं, वो रहेंगे और उनके साथ में 4 की टीम और बनाई गई है। लगातार वो चुनाव में वहाँ पे कार्य योजना बनाकर किस प्रकार से कार्य करना है उनको कार्य। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि तमाम सारी चीजों को लेकर समीक्षा की गई और चंपावत के उपचुनाव को लेकर के कमेटी भी गठित की गई है जो वहां पे पूरा चुनाव करवाएगी, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे पद खाली हैं, दर्जा प्राप्त राजमंत्री के हो या निगम के अध्यक्षों के हो, इन तमाम सारे पदों का सृजन चंपावत के उपचुनाव के बाद किया जाएगा। पश्चिम विपिन के साथ अविनाश तिवारी, ईवीपी गंगा, दिल्ली।